ऑक्यूपाई है, एनईसी से तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा जी आपने स्क्रीन पे उस वक्त भी लगा हुआ था कि एनईसी इज रिक्वेस्टेड टू अप्रूव दिस, फिर बाकी चीफ मिनिस्टर ने कहा जब जरूरत ही नहीं है तो आपने हमें बिठाया क्यों इधर। और उस वक्त जब हम ये सारी बहस चल रही थी तो 9-13 में से 9 लोग मौजूद थे एनईसी के मेंबरान, बाकी तो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनकी, वो मेंबरान नहीं होते, वो असिस्ट करने के लिए होते हैं। 9 में से 5 लोग वॉकआउट कर गए, 4 पीछे बचे। उधर एनईसी का आप फिर से आर्टिकल 156 पढ़ लें, उसका कोरम जो होता है ना वो होता है 50%, यानी 13 में से 6.5 तो हो नहीं सकते, तो 7 लोग होने थे, 4 रह गए और वो अपनी कार्रवाई हो सकता है चलाते रहे। मैंने आज सुबह अखबार नहीं पढ़ा ना उन्होंने हमें बताया, तो ये गैर आइनी विदाउट कोरम कार्रवाई हुई है। और अगर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी तो उसको लाए क्यों थे, क्या तमाशा बनाने के लिए या सिर्फ पिक्चर इवेंट है या पिक्चर अपॉर्चुनिटी है, ये इस चीज़ पे हमने सख्त एतराज़ किया। तो और ये वजह थी वॉकआउट करने की। मैं तो अभी इतनी सारी बात की तो मैं इससे आपको क्लियर हो गया होगा, हम बजट के अंदर ना बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक सप्लीमेंट्री बजट होता है जो कि करंट ईयर ये जो साल को चल रहा है उसमें जो अगर किसी असेंबली ग्रांट्स अप्रूव करती है उस ग्रांट से अगर कहीं एक्सीड करते हैं तो उसका सप्लीमेंट्री बजट पास होता है, वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए वो 30 जून से पहले होना है, वो अगली असेंबली आके नहीं कर सकती। सप्लीमेंट्री बजट हम देंगे, जो नॉन डेवलपमेंट तनख्वाहें और बाकी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसके मद में हम पूरे साल का एक एस्टिमेट रख जाएंगे, लेकिन ऑथराइजेशन एक क्वार्टर की देंगे, सिर्फ एक क्वार्टर की, सितंबर तक, बाकी अगली असेंबली आके उसको चेंज भी कर सके। और जैसे मैंने कहा कि ऑन गोइंग स्कीम्स पे हम पैसे रखेंगे ताकि वो चलती रहें, उसमें भी ऑथराइजेशन एक क्वार्टर की देंगे सिर्फ, और बाकी जो है वो अगली गवर्नमेंट को छोड़ देंगे नई स्कीम्स वगैरह। नहीं ऐसी कोई गैर एक्ट, नहीं एक्ट के बगैर ऐसी कोई बात नहीं की, आप चेक कर लीजिएगा, एक्ट के अंदर ही रह के बात की है, ऐसे नहीं होता। थैंक यू जी।